सुदेश जी, एक बात कही जाती है पीएम मोदी के गवर्नेंस पर, ये एक तरह से वन साइडेड बायस्ड स्टोरीज होती है। बायस क्यों? ये तो फैक्ट बेस्ड स्टोरी है ना। हमने कोई ओपिनियन ऐसा नहीं दिया जो फैक्ट्स पर नहीं बेस्ड है। अगर मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो तो दिखता है लोगों को। एक ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं ये। दूसरी नैरेटिव क्या है? दूसरी नैरेटिव तो ये है कि आप गरीब को गरीब रहने दो। गांधी जी की हत्या का लाभ उठा के लोगों ने प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू पॉलिसीज देश पे ठोक मारी, आप समझे? उसके वजह से उसकी पूरी असर गवर्नेंस पे पड़ी। तो मेरे ख्याल से 2000 वाजपेयी सरकार के टाइम पे भी काम काफी अच्छा हुआ था, लेकिन 2014 के अंदर पहली बार ऐसा मौका आया कि जहां राष्ट्रवादी सोच के लोग वैसे लोग पावर में आए, है ना, और वो पावर में आए और उन्होंने जो नीतियां 1947 से, मैं हमेशा कहता हूं कि ये राष्ट्रीय पूर्ण जागरण का काल है। मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, पहली बात है कि ये खान मार्केट गैंग आप अपनी किताब में किसे कह रहे हैं? संसद में कैंटीन होती थी, लोग कैंटीन में खाना खाने जाते थे लंच टाइम में, जो सांसद लोग होते थे। लेकिन ये जो इलीट क्लास के सांसद थे, ये लंच के लिए संसद की कैंटीन में नहीं जाते थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा लगता था कि ये डाउनग्रेड है, तो वो खान मार्केट के महंगे रेस्टोरेंट में जाते थे। तो मजाक में उनको खान मार्केट गैंग कहना शुरू किया था। मैं ये मानता हूँ कि आज खान मार्केट गैंग दिल्ली का खान मार्केट गैंग नहीं है, ये खान मार्केट गैंग दिल्ली से लेकर, नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक है। अगर न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के खिलाफ एक फेक नैरेटिव खड़ा कर रहा है, तो मैं मानता हूँ वो भी खान मार्केट गैंग का हिस्सा है। ये खान मार्केट गैंग वो है जो दरअसल भारत को मजबूत देश के रूप में नहीं देख सकता। शशि जी, दूरदर्शन और आकाशवाणी को हमेशा से एक माउथपीस कहा गया है गवर्नमेंट का। देखिए, एक तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो आर माउथपीसेस, क्योंकि जो आप देखेंगे जब प्रसार भारती बना था, प्रसार भारती एक्ट वॉज पास बाय पार्लियामेंट, और उसमें देखेंगे सेक्शन 12 है शायद, जिसमें जो प्रसार भारती के क्या फंक्शंस होनी चाहिए वो डिफाइंड है। तो जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, इसका जो दायित्व है वो राजनीति और ये जो आर्ग्यूमेंटेशन जो होता है उसके मच ऊपर है, बिकॉज इट हैज़ अ सोशल पर्पस। तो एक गलत मिसकंसेप्शन है। और जहाँ तक हम मोनोपोली डेज की बात करें, तब तो सिर्फ राजीव दर्शन और इंदिरा दर्शन हुआ करता था दूरदर्शन पे। तो आई थिंक फ्रॉम दैट वी हैव कम वेरी फार, वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। जे करीब करीब 23 साल आज दूरदर्शन में काम करते हो गए, डीडी न्यूज़ में। 2015-16 से पहले दूरदर्शन पर, डीडी न्यूज़ पर जो सर ने कहा, जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनके लिए कोई जगह नहीं होती थी, कभी विपक्ष को बुलाने की कोई परंपरा नहीं थी, सिर्फ ड्यूरिंग इलेक्शन डेज बुलाया जाता था। वो इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन जो है हमारी मॉनिटरिंग चुनाव आयोग करता था। ये भी एक जो है फेक नैरेटिव है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होते तो दूरदर्शन पर बैठकर कांग्रेस का प्रवक्ता नरेंद्र मोदी को तानाशाह, फेकू कह सकता था क्या? अगर जिस दिन पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर आप नरेंद्र मोदी को बैठकर कहेंगे फेकू हैं, नरेंद्र मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, अमित शाह के बेटे की संपत्ति इतनी बढ़ गई, ये आप दूरदर्शन पर आरोप लगा रहे हो। बीजेपी के आप एज अ अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन या अनऑफिशियल प्रोपगेटर ऑफ द आइडिया, इस तरीके से अगर आपको कलर किया जाता है। देखिए, ये बॉक्सिंग जो है ये हुई है पिछले 10 साल में, कि अगर आप ऑरेंज कलर, भगवा कलर, नारंगी कलर पहनेंगे तो आप भगवा संगी कहलाएंगे। और ये भी बड़ी एक नैरो बॉक्सिंग है। कोई प्रधानमंत्री आता था, उसका उसकी कोई बाहर से राजनयिक आता था, या तो हैदराबाद हाउस में या किसी बड़े 5-स्टार होटल में मीटिंग हुआ करती थी। अब क्या होता है, किसी को तो साबरमती ले जाते हैं, किसी को वो गंगा घाट पर ले जाके बनारस में आरती कराते हैं, किसी को साउथ के मंदिर में ले जाते हैं, खुद मुंड पहन के रहते हैं। तो दिखाते हैं भारत केवल दिल्ली का 5-स्टार होटल नहीं है, तो ये जो भारत की संस्कृति है इसका रिप्रेजेंटेशन है। वो केवल एक पार्टी से जोड़ लेना ठीक है, उस पार्टी को फायदा होगा तो ठीक है। मैं जब ऑक्सफोर्ड में रहा तो बल्कि ऐसा हुआ कि मुझे एक बार तो डिसिप्लिनरी कमेटी में बिठा दिया। वहाँ पे 10 दिन की क्रिसमस की छुट्टी क्यों होती है? क्या वो मेजॉरिटी बिहेवियर नहीं है? वहाँ पे 5 दिन की ईस्टर की छुट्टी क्यों होती है? वो मेजॉरिटी बिहेवियर नहीं है क्या? वहाँ तो दिवाली की तो नहीं छुट्टी होती है ऑक्सफोर्ड में 10 दिन की? तो वो सब करेंगे अगर हम अपना रंग पहन लेंगे, तुम भगवा हुए, तुम संगी हुए।